चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मौसबी की, और अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 183। इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम अ मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन फॉर ओरल ओरोफेरेंजियल कैंसर, यानी कि मरीज को ओरोफेरेंजियल कैंसर हुआ था और मरीज ने रिसीव किया है एक्सटर्नल रेडिएशन, यानी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी मरीज को दी गई है ओरोफेरेंजियल कैंसर के लिए। अब ये हमसे पूछ रहा है फॉर विच मोस्ट क्रिटिकल, इस बात पर गौर फरमाइएगा बच्चे, मोस्ट क्रिटिकल यानी सबसे ज़्यादा चिंताजनक रिएक्शन क्या होगा रेडिएशन थेरेपी की मदद से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से, जिसको नर्स को क्या करना है, असेस करना है उस क्लाइंट में, मोस्ट क्रिटिकल। तो अब देखते हैं ये कहना चाह रहा है कि नेक के रीज़न में, ओरोफेरिंजियल रीज़न में एक मरीज को एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, उस वजह से उस मरीज में सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या हो सकती है जो नर्स को असेस करनी है। क्या उस मरीज में ड्राई माउथ देखने को मिलेगा? बच्चे ड्राई माउथ देखने को मिलता है, लेकिन ये मोस्ट क्रिटिकल यानी कि ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यानी यह लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। क्या स्किन रिएक्शन हो सकता है? जी हाँ, रेडिएशन की वजह से स्किन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट क्रिटिकल। फिर है बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन देखिए बच्चे दिख सकता है, लेकिन बोन मैरो सप्रेशन अगर नेक रीजन में आप रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो बोन मैरो सप्रेशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरे बॉडी पार्ट में जब रेडिएशन दिया जाता है उसके कंपेरेटिवली, यहाँ पर बोन मैरो सप्रेशन आपको कम देखने को मिलेगा। तो अब जो ऑप्शन बचा बच्चे, वही इसका सही आंसर है म्यूकोजल एडिमा, म्यूकोजल एडिमा। ध्यान रखिएगा अगर ओरोफेरिंजियल कैंसर या किसी के लिए भी नेक के रीजन में अगर कभी भी मरीज रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो आप ये बात जानते होंगे कि ईसोफेगस वगैरह में या फिर ओरोफेरिंक्स वगैरह में जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वह म्यूकोजल लाइन का इन्फ्लामेटरी चेंजेस, यानी उस म्यूकोजल लाइन में चेंजेस, उस म्यूकोजल लाइन, क्योंकि वो जो बच्चे म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और रेडिएशन थेरेपी की वजह से वो म्यूकोजल लाइनिंग में इन्फ्लामेटरी चेंजेस। तो रेडिएशन की वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग है उनमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं, क्योंकि म्यूकोजल लाइनिंग सेंसिटिव होती है, तो उनमें जब भी म्यूकोजा में इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे म्यूकोजा में एडिमा देखने को मिल सकता है। और बच्चे ध्यान रखिए अगर म्यूकोजल एडिमा देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि वो मरीज के एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से मरीज की जान, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मरीज की जान जा सकती है। इसीलिए रेडिएशन थेरेपी से होने वाला म्यूकोजल एडिमा यहाँ पर मरीज के लिए मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट है, क्योंकि अगर म्यूकोजल एडिमा हुआ तो वह एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा म्यूकोजल लाइनिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जब उसके ऊपर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा डेवलप हो सकता है जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर जाएगा वो म्यूकोजल एडिमा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 184 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मौसबी का, इसमें वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहा है अ क्लाइंट एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, रेडिएशन थेरेपी मरीज को दी जानी है और मरीज उसके लिए काफ़ी कंसर्न है बिकॉज इट कैन कॉज कैंसर, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी कैंसर कॉज कर सकता है मरीज को, यह लगता है। व्हाट शुड द नर्स, अब नर्स को एम्फसाइज When performing the client about exposure to radiation, अब नर्स को उस व्यक्ति को क्या बताना चाहिए कि रेडिएशन थेरेपी किस तरीके से उस मरीज में कैंसर नहीं कॉज कर सकता। ऑप्शन है द डोज इज केप्ड एट अ मिनिमम, क्योंकि डोज मिनिमम रखी गई है इसीलिए उस व्यक्ति में कैंसर होने का खतरा कम है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी इज इरेडिएटेड, सिर्फ
शरीर के एक छोटे से भाग को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। द क्लाइंट फिजिकल कंडीशन इज नॉट रिस्क फैक्टर एंड न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट ऑफ द अफेक्टेड सेल इज अ रिस्क फैक्टर। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी इज इरेडिएटेड। सिर्फ शरीर के एक छोटे भाग को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है जिससे कि आसपास की जो हेल्दी टिश्यूज है उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नर्स को ये बात उनको बतानी पड़ेगी क्योंकि आजकल करंट में जो रेडिएशन थेरेपी मरीजों को दी जाती है, जो रेडिएशन थेरेपी करेंटली आजकल दी जा रही है मरीजों को, वो क्या कर रही है बच्चों, वो पिन पॉइंट यानी कि जिस जगह पर मैलिग्नेंट सेल मौजूद हैं, जिस जगह पर मैलिग्नेंट सेल मौजूद है उन उसी जगह पर सिर्फ टारगेट करती है रेडिएशन, जो वेव्स होती है सिर्फ उसी साइट को टारगेट करती है, आसपास की जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको बहुत कम इफेक्ट करती है। तो हम उन्हें बताएंगे कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो एक्यूरेटली टारगेट करती है सिर्फ मैलिग्नेंट लीजन्स को, पिन पॉइंट सिर्फ उसी पिन पॉइंट मैलिग्नेंट लीजन्स को टारगेट करती है, जिसकी वजह से हेल्दी टिश्यूज़ में जो असर होगा रेडिएशन थेरेपी का वो बहुत कम होगा, बहुत मिनिमम होगा। इसलिए घबराएं नहीं। तो नर्स बताएगी ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इज इरेडिएटेड, सिर्फ एक छोटे से पिन पॉइंट पार्ट में इसका रेडिएशन बीम्स डाली जाती हैं और आसपास की हेल्दी टिश्यूज़ को इससे कोई भी खतरा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मॉसबी का क्वेश्चन नंबर 185 हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछ रहा है अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी, एक मरीज जिसे रेडिएशन थेरेपी चल रही है फॉर कैंसर, सेज टू द नर्स माय फैमिली सेड आई विल गेट अ रेडिएशन बर्न। मेरे परिवार ने मुझे बताया है कि रेडिएशन की वजह से मुझे रेडिएशन बर्न हो जाएगा। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स उस मरीज को क्या बताएगी। Your skin will look like a sunburn. A localized skin reaction usually occur. A daily application of emollient will prevent a burn. Your family must have had experience with radiation therapy. तो नर्स उस व्यक्ति को क्या बताएगी। सबसे पहले नर्स बर्न शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि इससे मरीज की एंजाइटी में इजाफा हो सकता है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि आपको सनबर्न टाइप का कुछ होगा। हमें उसे क्या कहना है, हमें उसे कहना है कि देखिए आपको जो रेडिएशन थेरेपी चल रही है उससे हो सकता है कि एक लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन आपको हो, लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन हो जिसे हम कहते हैं बच्चे रेडियो डर्माटाइटिस, इसको कहा जाता है रेडियो डर्माटाइटिस। और यह रेडियो डर्माटाइटिस यूजुअली उन मरीजों को जिनको रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उन मरीजों को रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होने के 3 से 6 हफ्ते के बाद उनको रेडियो डर्माटाइटिस हो जाता है। उनको रेडियो डर्माटाइटिस एज अ कॉमन साइड इफेक्ट है रेडिएशन थेरेपी का। तो हम बताएंगे कि एक लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन आपको हो सकती है 3 से 6 हफ्ते के बाद, जिसको रेडियो डर्माटाइटिस कहा जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये एक उसमें लाइन में लिख रहा है कि क्या उसको एप्लीकेशन यानी क्या उस मरीज को बोलेंगे कोई इमोलिएंट या फिर कोई क्रीम वगैरह लगाने की सलाह देंगे क्या। हमेशा मना कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जिस भी व्यक्ति को रेडिएशन थेरेपी चल रही है उस पेशेंट को हम बोलेंगे कि जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी चल रही है उस जगह पर आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि मान लीजिए इस भाग में हमने मार्क किया है और इस भाग में रेडिएशन थेरेपी चल रही है। अगर व्यक्ति उस एरिया में क्रीम लगाता है तो हो सकता है कि जो रेडिएशन की बीम है जो एक्सरेज हैं वो रेज यहाँ से डिफ्लेट हो जाए, इस क्रीम की वजह से वो रेज डिफ्लेट हो जाए और इस एरिया को जिसको रेडिएशन थेरेपी मिलनी थी उसको ना मिले। इसीलिए याद रखिएगा जिस जगह पे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उस जगह पे कभी भी क्रीम नहीं लगाना है, कभी भी उस जगह पे पाउडर नहीं लगाना है, कभी भी उस जगह पे लोशन नहीं लगाना है। ये बहुत बार मैं समझा चुका हूँ आपको। और मरीज को बोलना है कि अगर आपको रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसके इमिडिएटली बाद आप सन में ना जाएं, धूप में ना जाएं। ये कुछ चीज़ें होती है रेडिएशन थेरेपी से जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 186 में ये कह रहा है अ नर्स अप्लाइज एन आइस पैक
नर्स क्या कर रही है, आइस पैक अप्लाई कर रही है, नर्स आइस पैक अप्लाई कर रही है टू अ क्लाइंट लेग फॉर 20 मिनट। 20 मिनट के लिए एक मरीज के पाँव में नर्स ने आइस पैक अप्लाई किया है। वट क्लिनिकल इंडिकेटर हेल्प द नर्स डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। नर्स कैसे समझेगी कि जो उसने 20 मिनट तक आइस पैक किसी मरीज के पाँव में लगाए हैं उससे कैसे उस मरीज को फ़ायदा हुआ। तो ध्यान से देखिए, आइस बच्चे जब भी आप कोल्ड का यूज़ करते हो, एक बात याद रखिए, जब भी आप आइस का यूज़ करोगे, कोल्ड का यूज़ करोगे, कोल्ड से होता क्या है, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी, जो पेन रिसेप्टर होते हैं उन पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी, उन पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उन पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये एज अ एनेस्थेटिक एजेंट भी काम में लिए जा सकते हैं। क्योंकि पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो गई है तो उस जगह में, मान लीजिए पाँव में अगर आइस लगाया है नर्स ने, वहाँ पर पेन रिसेप्टर की अगर सेंसिटिविटी कम हो गई है तो कुछ देर के लिए लोकल एनेस्थीजिया के तौर पे काम करेगा, कुछ देर के लिए वहाँ की सेंसेशंस आपको परसीव नहीं होंगी, वहाँ की पेन सेंसेशन आपको परसीव नहीं होगी। इसीलिए जब भी आइस पैक लगाया जाए किसी एरिया में 20 मिनट या कभी भी आइस पैक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ध्यान रखिएगा वह पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम कर देता है, जिसके वजह से वो एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी काम में लिया जा सकता है। तो इसका उत्तर जाएगा लोकल एनेस्थीजिया, क्योंकि मरीज का आइस पैक लगाया है नर्स द्वारा, तो आइस पैक पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम करेगा, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीजिया के तौर पर वो काम करेगा। अगली बात, कुछ ऑप्शंस को टटोल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। बच्चे ये तो वैसोडाइलेशन देखते ही गलत है, याद रखना हीट अगर आप किसी मरीज को दोगे तो वो पेरिफेरल क्या कराती है, वैसोडाइलेशन, यानी पेरिफेरल ब्लड का क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स का। लेकिन कभी भी आप किसी मरीज को कोल्ड थेरेपी देते हो तो उस मरीज में आपको देखने को मिलेगा पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, उस मरीज में पेरिफेरल जो ब्लड वेसल होंगे उनका वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, इसलिए ये उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 187 में, ये कह रहा है अ होमलेस पर्सन इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड वेदर से एक्सपोज हुआ है, तो बच्चे कोल्ड एक्सपोज से जब भी कोल्ड होता है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिया वगैरह देखने को मिलता है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया डज द नर्स एंटिसिपेट। हाइपोथर्मिया के कौन कौन से लक्षण मरीज में नज़र आ सकते हैं, तो देखिए जब भी कोल्ड थेरेपी या फिर कोल्ड किसी मरीज में होता है दो चीज़ें देखी जाती है, या तो मरीज में हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, या मरीज में पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और दोनों ही कंडीशन में बच्चे कौन से लक्षण आएंगे। अगर मरीज में हाइपोथर्मिया हुआ तो हो सकता है कि मरीज के ब्रेन में जो मरीज के सेरिब्रल या ब्रेन की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चे, वह मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो ब्रेन में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं वो भी कम हो जाएं, जिस वजह से व्यक्ति अच्छी तरीके से ना तो सोच पाता है, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली व्यक्ति अच्छे से सोच नहीं पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक नियरली अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, व्यक्ति एक अनकॉन्शियस स्टेट होता है उसमें पहुंच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अगर व्यक्ति सोच ना पाए ढंग से या फिर एक नियरली अनकॉन्शियस स्टेट में व्यक्ति चले जाए वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उस स्टेज को हम कहते हैं बच्चे स्टूपर। क्योंकि मरीज में हाइपोथर्मिया हुआ जिसकी वजह से उसकी ब्रेन की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कम हो गई और मरीज अच्छे तरीके से ना तो सोच पाया और एक अनकॉन्शियस स्टेट में, नियरली अनकॉन्शियस स्टेट जहाँ पर वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उस मरीज को हम कहते हैं स्टूपर स्टेज। तो मरीज में स्टूपरनेस देखने को मिलेगी कोल्ड वेदर की वजह से। और दूसरा हमने बात करी थी कि उस व्यक्ति में क्या देखने को मिल रहा है, उस व्यक्ति में वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बच्चे क्या होगा,
वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से मरीज में देखने को मिलेगा पेरिस्थीजिया, पेरिस्थीजिया देखने को मिलेगा एफेक्टेड बॉडी पार्ट में। क्यों? क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से मरीज में क्या देखने को मिलेगा? पेरिस्थीजिया देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, सिर्फ इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में कि अगर कोल्ड वेदर में कोई व्यक्ति फंस चुका है, कुछ भी हो चुका है, कोल्ड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से स्टूपर देखने को मिलेगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेरिस्थीजिया मरीज में देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में।